दीपक जी मेरे साथ है, डॉक्टर दीपक आचार्य वायरोलॉजिस्ट है। सर ये जो नया स्ट्रेन है, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं क्योंकि कोरोना का एक नया रूप सीधे तौर पर, और वो ज्यादा घातक तो नहीं लेकिन ज्यादा इन्फेक्टिव है और वो ज्यादातर यूथ को टारगेट कर रहा है। अब इससे कैसे निपटा जाएगा? भारत के जो दर्शक है उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या इसका सोल्यूशन है? क्विक रिएक्शन सर। सोल्यूशन तो वही है जो सारे लोग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें तमाम चीजें जो हमारे प्रिकॉशंस हैं उनको, उन मेजर्स को हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, चाहे मास्क की बात करें, सैनिटाइजेशन की बात करें, उन सबको तो फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि बार बार स्ट्रेन तो बदलते रहेंगे। कैसा जैसा इन्फ्लुएंजा के मामले में हम सभी जानते हैं कि बार बार स्ट्रेन चेंज होते हैं और इसलिए हर बार वैक्सीनेट करना पड़ता है। अगर आपको एक मिनट में अगर आपको रोक पाऊं, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपसे वापस ये सवाल का जवाब दे रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया है या स्कूल खुलने की बात पर सोच रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली 2 मिनट बाद आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर तैयार है, वो दे रहा हूं मैं। 4:19 पर एक ऐसी खबर है, आपके होश फाख्ता कर देगी ये खबर। प्लीज बी स्टे अलर्ट, हमारे साथ तैयार रहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। दीपक आचार्य जी, नया स्ट्रेन कितना घातक है यूथ के लिए? देखिए अभी तक बहुत सारी स्टडीज आनी बाकी हैं, ये शुरुआती दौर है और बहुत सारे इस समय हम प्रिज्यूम भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, और बहुत सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि अभी बहुत सारा हो हल्ला भी होगा इस सब चीज़ों के पीछे, लेकिन बेसिक्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे और ये आते रहेंगे, इस तरह के मसले इस तरह के किस्से सामने आते रहेंगे। और ये भी तय नहीं है कि क्या आपको 1 शॉट या 2 शॉट में आप जिंदगी भर वैक्सीनेट हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं, देखिए SARS आया, इबोला आया, ये कहीं पे भी मॉडिफाई नहीं हो पाया या इनका म्यूटेशन नहीं हो पाया, ये जैसे थे वैसे इनका कुछ ना कुछ इलाज हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कोरोना अपना रूप बदल रहा है, ये क्या मामला है? कोरोना का जीन जो सीक्वेंसिंग है जिस तरह की, और जितने इजीली जाके टारगेट करता है, और खासतौर पे उन लोगों को जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ज्यादा परेशान है उन लोगों को टारगेट करता है। और हर तीसरा चौथा इंसान इंडिया में आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से परेशान है, दुनिया में सारे लोग परेशान हैं इस तरह की चीज से, चाहे डायबिटीज की बात करें, आर्थराइटिस की बात करें, तमाम चीज़ों की, ऐसे लोगों को ज़्यादा अटैक करता है। और जो इसका प्रोसेस है, जो इसका मैकेनिज्म है, जो स्पाइक्स की आप बात कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर जिस तरह का है वो बहुत तेजी से पेनिट्रेट करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर में, इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है और ज़्यादा इसका।